हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चा लोग को तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स यही सब पसंद आता है, तो बस अब केक कटिंग का टाइम आ गया। तो केक में मतलब कुछ क्राउन वगैरह एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो वही मैं किरण मतलब बोली कि राधा तुम केक निकाल दो, और केक तो क्राउन वगैरह लगा के बस केक कटिंग होगा। और ईरा का नाम, स्कूल नेम आपका इनाया है। पहले मतलब इतना दूर रात में जाना मतलब बहुत एक डर का बात होता था कि कोई इतना रात में मतलब 11-12 बजे के बाद नहीं जाता था, बट अब कोई टेंशन नहीं। 1, 2, 3 कितना ही बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है रात में कहीं से भी कहीं जाना। पहले का बात अलग था, तो मैं किरण को वही बुलाई कि तुम आओ यहाँ पे और मैं दिखाती हूँ तुमको कि मतलब कैसे लगाना, मुझे मतलब लगाना कैसे हो तो मुझे पता ही था। फिर भी एक होता है सजेशन मैं ले रही थी किरण से, और ये किरण के हस्बैंड अविनाश है, और इधर पहले स्टेज पे आ चुकी है। अबे मैडम राखी साइड करी आप नीचे हम को दूध कल करें और चलो हम आ गए। रेनबो नीचे लगाते हैं, बड़ा है गदले का, तो मैं फोन करूंगा यहां पे ना हो कैसे है केक? सुंदर बट ये नाम सोनू ले लीजिए, वहाँ चद्दर में डाल पीछे उधर है। हेलो, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती है, चॉकलेट नहीं खाती है। ईरा तुम चॉकलेट नहीं खाती है ना? चॉकलेट तो नहीं खाती। यहाँ पे आंटी बोली कि आंटी के मतलब मायके वाले आ रहे हैं, तो थोड़ा वेट करने के लिए बोली कि जब आ जाते हैं तब केक कटिंग होगा, तो इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा टाइम पास हो रहा था। मतलब कहाँ क्या एडजस्ट मतलब होगा आपका क्राउन, और ये रेनबो केक मतलब किरण ऑर्डर दी थी, और ये केक मतलब जहाँ से हम लोग लेते हैं रेगुलर केक वहीं का है। वहाँ का केक सबसे बेस्ट बात है कि वहाँ बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और एक सॉफ्ट, एक तो होममेड का मतलब बात ही अलग रहता है, और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा। एक तो शुगर मतलब जैसे हम लोग एकदम चीनी खाते ही नहीं है, तो हम लोग जब बोलते हैं बेस बनाने के लिए बेस में एकदम मना करते हैं, विदाउट शुगर बेस बनाने के लिए बोलते हैं। और जो क्रीम में बस होता है शुगर बस उतना ही, तो क्रीम तो हम लोग हटा ही देते हैं ऐसे भी। और जो बाहर से हम लोग लेके आते हैं बेकरी वगैरह से, वहाँ का केक मतलब इतना ज़्यादा मीठा होता है कि हम लोग का हैबिट नहीं है चीनी इतना खाने की, उतना अच्छा नहीं लगता है। ये केक बहुत यम्मी, बहुत यम्मी लगता है। और रात का बज रहा है अभी 1, और मैं इसका हालत एकदम खराब थी, मतलब जाके जैसे मेरा वेलिंग करा करूँगा, उसके बाद देखते कुछ खाने को खाएंगे। पानी मैं खा रही हूँ बट भूख लगी है, फिर उसको चाय भी पीऊँगी, और यहाँ बच्चा लोग खाना देखिए मैं भी नींद में एकदम। इतना दूर है, 2 घंटा आने में 2 घंटा आने में
खाना खा बड़ा आप। ये आपका नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम का है। यहाँ पे फुआ भतीजा का बात हो रहा है। यहाँ पे फुआ जी व्रत की थी चौठ का, और हम लोग क्यों नहीं किए मैं बताऊँगी। मैं चौठ का व्रत तो मैं भी करती हूँ बट नहीं की, पहले प्लान था करने का फिर उसका कैंसिल हो गया। और यहाँ पे फुआ भतीजा का बात हो रहा है यहाँ पे, और भाई भी आया रात का टाइम। मैगी वेजिटेबल्स डाल के आज तो मूड हुआ है मैगी खाने का, और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। और राइस भी है बट मैं राइस को नहीं बनाना शुरू करती हूँ। राइस को यहाँ पे मतलब जो वेजिटेबल्स मैगी मैं बना रही हूँ उसको फ्राई नहीं की हूँ, बॉयल करके ही बना रही हूँ। टमेटो कैप्सिकम मटर वगैरह ये सब डाल के एक फ्राई करके बनता है, उसमें प्याज वगैरह डाल दो तो बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे पतिदेव जी अभी थोड़ा देर पहले मतलब आए थे तो वो चाय वगैरह पी के गए हैं, उनका एक इन्विटेशन है डिनर पे तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो देखें रात को शायद लेट होगा उनको आने में, तो हम लोग सोचे कि चलो आज यही बना लेते हैं। और आज कुछ और क्यों नहीं बनाएं, क्यों और कुछ नहीं है सब मैं बताती हूँ आप लोग को। और यहाँ पे मैगी पूरा तरह से ड्राई हो चुका है, और मेरी बेटी को तो पूरा सूपी मैगी पसंद है, उसको ड्राई मैगी उतना पसंद नहीं है। बट वेजिटेबल्स मैगी, और मेरे से गलती हो गई इसमें, मैं हल्का हल्दी डाल दी, हल्दी मुझे नहीं डालना चाहिए था। हल्दी डालने से एक तो कलर चलो अच्छा है बट मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिससे कि मैगी का टेस्ट थोड़ा सा तीता लग रहा था। यहाँ पे तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं बता पा रही हूँ आप लोग को। एक्सपेरिमेंट मैं बेकार की, कभी मैं डालती नहीं हूँ बट आज फर्स्ट टाइम डाली हल्दी, नमक तो डालना ज़रूरी था। तो बस रेडी मैगी। गाइस आज मतलब मैगी बनाने का रीज़न एक तो मतलब आज हम लोग का मोटर ख़राब हो गया था पानी का, तो मतलब मोटर आपका करीब 4 बजे शाम को ठीक हुआ। मतलब मॉर्निंग से इतना प्रॉब्लम हुआ आज काम करने में, जो सप्लाई वाटर आता है कैन का तो उसी से सारा काम हुआ, उसी से खाना वगैरह बना। और आज सब्जी एक ही बना था पनीर चिली, और कुछ नहीं बना था आज भी पनीर चिली बना था। तो रात के टाइम में कुछ सब्जी रहता तो मैं राइस खा लेती बट नहीं था, और ऐसे भी राइस खाती नहीं हूँ बट मन नहीं था बनाने का तो खा लेती है। और ये रहते हैं घर में तो चलो बाहर जाके हम लोग डोसा वगैरह खा लेते हैं, अब ये भी चले गए तो फिर और भी मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। मतलब घर पे अगर हस्बैंड नहीं रहे तब सच में मन नहीं करता है। मन दो मिनट शांत हो जाओ बेटा। तो और बहुत सारी वाइफ लोग को देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से मस्ती से बना के खा रही है बट मेरे से तो नहीं होता है। और बेटी तो पूरा खुश हो गई मैगी सुन के, ऐसे उसको बेटा तुम 2-3 महीना बाद मैगी दी हो ना तुमको, आज मैगी नहीं देती हो ना तुमको। और यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही है, हो गया कंप्लीट। बेटा तुम भी सोने चलो जाओ, पापा आने से पहले सो जाओ जाओ। तो बस यही। और यहाँ पे पिंपल्स होता है क्या किसी का? मेरा यहाँ पे पिंपल्स हो गया है। और फुआ जी कल चली जाएगी, आई है कल चली जाएगी। और शैम्पू की आज मैं नहाई हूँ, अब लीव नहीं करेगा, शाम को 6:30 बजे आज नहाने गई मैं, इतना लेट। पानी था नहीं तो नहाती कहाँ से मैं, इसलिए बहुत लेट हो गया नहाने में। सिर्फ हम लोग मतलब काम चलने में बस वो था, खाने पीने लायक हुआ था। अब देखिए पतिदेव जी कब आते हैं वहाँ से, शायद लेट हो जाएगा तो मैं सोचती हूँ बाबुल को मैं सुला देती हूँ। और बच्चा लोग कल तो सैटरडे, कल स्कूल तो नहीं है तुम लोग का ना? अच्छा दीदी का है, मेरा है। दीदी का नहीं है, मेरा है। क्यों तुम्हारा क्यों है ऐसे? सैटरडे को स्कूल बंद रहता है बेटा तुम्हारा भी। सैटरडे को मेरा स्कूल बंद है, कल मेरा स्कूल है, दीदी का भी नहीं है। क्यों बेटा कल स्कूल का डैडी में तो कोई नोटिस नहीं आया है? कौन बोला तुमको ये बात? दादी बोली। दादी को कैसे पता? दादी को बोला था। तुम बोला था स्कूल वाले? अच्छा। मैगी खाने के बाद फिर भी भूख लगा था, मतलब आज अच्छे से लंच नहीं हो पाया था इसलिए शायद भूख भी लग रहा है। तो थोड़ा राइस जो मैं दिखाई थी वो राइस बचा था, तो मैं प्याज फिर आलू अदरक मिर्ची लहसुन इसको अच्छे से कूट के फ्राई कर रही हूँ। फिर इसमें मतलब वेजिटेबल्स में से कुछ था नहीं, कैप्सिकम टमाटो और मटर ही था और कुछ नहीं था, तो वो डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मतलब राइस तो ज़्यादा है नहीं, वेजिटेबल्स डाल के
ऐसे इसमें छोटा बाटी लग रहा है बट उसमें दबा के रखा हुआ है, जब ढालूंगी तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूंगी, पानी ऐड करके ढक दूंगी, तो जब तक ये अच्छे से होते रहेगा तब तक मैं जाके फेस वॉश वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे मतलब सब्जी भी पक जाएगा और उधर मैं फेस वॉश करके जो क्रीम वगैरह लगाना है वो लगा लूँगी। उसके बाद इसमें राइस वगैरह ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, तो इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, घी, बटर या कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घी नहीं डाल के हल्का सा बटर डालूँगी। तो पहले अगर अच्छे से फ्राई हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट मैं पानी डाल के बॉयल करूँगा तो वो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आए तो थोड़ा अच्छा लगता है राइस वगैरह में। तो इसको ना ही चाइनीज़ फ्राइड राइस बोलेंगे, ना ही तवा पुलाव बोलेंगे, ना ही शाही पुलाव बोलेंगे। इसको क्या पुलाव बोलेंगे मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज इसमें पाव भाजी मसाला है नहीं कि जो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको नॉर्मल बेसिक मसाला है उसी से मैं बनाऊँगी, बट इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको मैं अगर प्लानिंग के साथ बनाती, बहुत ज़्यादा राइस रहता तो मैं इसको तवा पुलाव बनाती। तवा पुलाव बहुत ही यम्मी लगता है। मैं मतलब अब फर्स्ट टाइम तो अपनी सिस्टर के हाथ से मैं खाई थी, वो बहुत अच्छा बनाती है तवा पुलाव। और उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब वहाँ पे बैठा दी, वो जब तक सब्जी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे फेस वॉश वगैरह हो चुका है। बस आजकल मैं कुछ दिन से क्रीम लगाना बंद की हूँ, ऑयल लगा रही हूँ फेस पे, बिकॉज मैं हेयर जब से मैं पुणे से आई हूँ तब से मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना क्यों ड्राई, इतना ड्राई नहीं रहता था तो क्रीम मतलब सूट ही नहीं कर रहा क्रीम से, और क्रैक पड़ जा रहा है स्किन में। तो इसलिए मैं सोची नहीं अभी कुछ दिन ऑयल ही लगा लेती हूँ। उसके बाद वापस मैं देखिए यहाँ पे पानी डाल के गई थी, तो आलू भी जो था अच्छे से हो चुका है और टमाटो वगैरह सब कुछ गल चुका है। और ये मटर तो फ्रोज़न मटर था तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता है फ्रोज़न मटर में। अगर इसको सब्जी में बनाती हूँ तो पहले बॉयल कर लेती हूँ पानी में डाल के, तो फ्राई करना था तो बॉयल करके अच्छा नहीं लगता। और इसमें आप और भी मतलब गर्म मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें गर्म मसाला ऐड नहीं करूँगी। अब कभी बनाऊंगी अच्छे से तो अब ऐड करके बनाऊंगी। इसमें अगर घी बटर नहीं डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और जो नहीं खाते उसके लिए तो चलो कोई बात नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं। इसमें आप सोयाबीन या फिर मशरूम या पनीर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सोयाबीन घर पे था नहीं, पनीर है घर पे, बट मेरा मूड नहीं था पनीर खाने का। कभी कभी मूड नहीं होता है पनीर खाने का, पनीर मतलब नहीं राइस में पनीर डाल के मुझे मतलब थोड़ा हार्ड हार्ड वाला फील आता है। और जो फ्राइड राइस होता है जो छोटे छोटे क्यूब में कट करके डाला जाता है वो फिर अच्छा टेस्ट आता है। तो बस रेडी हो गया मेरा फ्राइड राइस। रात का हो रहा है अभी 12, और बाबू को मैं कब से बोल रही थी तुम सो जाओ बेटा खुद से, वो खुद से कभी सो ही नहीं सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर थक गया है पार्टी प्रोग्राम से आया है तब ये खुद से सो जाता है, बट अगर घर पे रहता है तो मुझे सुलाना पड़ता है या फिर उसके पापा को सुलाना पड़ता है तभी जाके सोता है। और उसका हैबिट ऐसे पकड़ के सोने का। अभी तक पति देव जी नहीं आए हैं और मैं बाबू को यहाँ पे सुला रही हूँ, बेटा रुक जा दो मिनट। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।